नेक्स्ट वी हैव 120 इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, एंड गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, सो देखो एक ट्रेंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रेंगल है एंड इट इज पी क्यू आर, ठीक है, सो लेट दिस इज द ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड ए है क्यू, ए है पी एंड ए है आर एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री एंड हमें गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए साइड एंड इसका और इसका सम गिवन है, ठीक है, ये गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर है 25, ठीक है, सो देखो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर एन प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, सो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर एन प्लस पी क्यू, पी क्यू है अपने पास 5 सेंटीमीटर, सो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर डेट इज 25। नाउ हमें गिवन है, ठीक है, देखो वी हैव देयरफॉर वी हैव पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी आर निकालें सो इट विल बी 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, सो पी आर की जगह हम पुट करेंगे 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, सो ये आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू मीन्स क्यू आर का स्क्वायर एन प्लस 25। सो ये देखो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे सो अपने पास आएगा 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड ये आ जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर एंड माइनस 50 क्यू आर एंड इट इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा अपने पास 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, ठीक है, माइनस करेंगे 625 में से सो 600 बचेगा, सो ये अपने पास आ जाएगा 12, ठीक है, सो आर सो क्यू आर इक्वल टू वी गेट 12 यूनिट, ठीक है, एंड पी आर देखो हमने पी आर इक्वल टू दिया था 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, सो वी हैव पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, सो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 एंड पी आर इक्वल टू हो जाएगा 13, ठीक है, सो पी आर आ गया 13 यूनिट। सो अब हमें ये साइड पता है, दिस पी आर ये है 13 सेंटीमीटर एंड ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ साइन पी, ठीक है, ये एक एंगल है पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है, सो देखो हम यहाँ पे निकाल, देखो साइन पी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस है 13, सो ये आ जाएगा 12 अपॉन 13। देन कॉस पी एंड टेन पी, या देखो कॉस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस है, देखो बेस है 5 सेंटीमीटर, सो ये आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, देन टेन पी, सो टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर है 12 एंड बेस है 5, सो आ जाएगा 12 अपॉन 5, ठीक है, सो दिस इज द आंसर।